हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज हैं, जैसे रिवर्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट और ढेर सारे मिनरल्स। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर 1 रिसोर्सेज इन डेवलपमेंट। सो बिना किसी देर के चलते हैं वीडियो की तरफ। अगर हम रिसोर्सेज को डिफाइन करें तो रिसोर्सेज हर वो चीज़ है जो इन्वायरमेंट में मौजूद होती है, हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, और इसके साथ साथ वो चीज़ टेक्निकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, मतलब उस रिसोर्स से हमें कुछ ना कुछ इकोनॉमिक प्रॉफिट होना चाहिए, और लास्ट कल्चरली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, मतलब उस रिसोर्स से को हम इजीली एक्सेप्ट कर पाएँ। और ये तीनों चीज़ें किसी भी रिसोर्स में होनी बहुत ज़रूरी हैं। रिसोर्स नेचुरल हो सकते हैं, जैसे रिवर्स, माउंटेंस, मिनरल्स, और मैन मेड भी हो सकते हैं, जैसे मशीन, टूल्स, टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली रिसोर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्री हो या कंस्ट्रक्शन हो। सो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है रिसोर्स को मैनेज करना, उनको कंजर्व करना, ताकि हम प्रेजेंट जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन दोनों की नीड पूरी कर सकें। अब बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। आपकी एनसीईआरटी बुक के हिसाब से रिसोर्सेज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी, तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, एंड चौथा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर 2 सब डिविजन हैं। सबसे पहले हैं बायोटिक रिसोर्सेज एंड दूसरे हैं अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो बायोस्फीयर से मिलते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं लिविंग रिसोर्सेज, जैसे कि हमारे आसपास के लोग, पेड़ पौधे, जानवर और पशु पक्षी। वही अगर अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करें तो ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से बने होते हैं, मतलब जिनके पास लाइफ नहीं होती, जैसे कि वाटर, रॉक्स, मिनरल्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टेबिलिटी। इसमें 2 सब डिविजन हैं। पहले हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड दूसरे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज उन रिसोर्सेज को कहा जाता है जिन्हें फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस से रिन्यू या रिप्रोड्यूस किया जा सके। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि इसका उपयोग करते रहने से इसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं आती, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। वहीं अगर हम बात करें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की, तो मिलियन ऑफ ईयर्स के जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनने वाले इन रिसोर्सेज को रिप्रोड्यूस और रिन्यू नहीं किया जा सकता। इसके पॉपुलर एग्जांपल हैं फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसके अंदर 4 सब डिविजन हैं। पहला है इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दूसरा है कम्युनिटी रिसोर्सेज, तीसरा है नेशनल रिसोर्सेज एंड चौथा है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। अगर हम बात करें इंडिविजुअल रिसोर्सेज के बारे में, तो इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो किसी व्यक्ति की प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे कि प्लॉट, हाउस, कार। ये सारे इंडिविजुअल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं, क्योंकि इन सब पर इंडिविजुअल बंदे का कंट्रोल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज की। इस टाइप ऑफ रिसोर्सेज पूरी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल होते हैं, जैसे पार्क्स, पॉन्ड्स, प्लेइंग ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज पर इंडिविजुअल बंदे का कोई कंट्रोल नहीं होता। बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज की, जो है नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो पूरे देश के लोगों के लिए होते हैं, जैसे कि हमारे देश के अंदर के रोड्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज और भी बहुत कुछ। ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में गवर्नमेंट के पास लीगल पावर होती है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट अक्वायर कर सकती है किसी के प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी। और हाँ, जो भी कोस्टल बाउंड्री से लेकर 12 नॉटिकल माइल तक के अंदर के रिसोर्सेज होते हैं, वो भी हमारी नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्स की, जो है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज पर एक कंट्री का कंट्रोल नहीं होता, और हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज कोई एक देश इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन रेगुलेट करते हैं। अगर इनके किसी कंट्री को रिसोर्स को इस्तेमाल करना होता है, तो उनको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे 200 नॉटिकल माइल्स और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर के रिसोर्सेज को हम इंटरनेशनल रिसोर्सेज कहते हैं।
अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर चार कैटेगरी में डिवीजन किया गया है। सबसे पहले हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरे हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज, तीसरे हैं स्टॉक रिसोर्सेज एंड चौथे हैं रिजर्व रिसोर्सेज। सबसे पहले बात करते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज की। पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमारे पास मौजूद होते हैं पर हमने इनका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया होता है। जैसे कि आप सभी को पता है गुजरात कोस्टल स्टेट है और यहाँ पर बहुत हवाएं चलती हैं, सो यहाँ पर अच्छा पोटेंशियल है टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम इट। सिमिलरली राजस्थान में बहुत गर्मी होती है, सो यहाँ हम सोलर प्लांट का इस्तेमाल बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे कि फिर हमने अभी तक इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया। इसका आंसर ये है कि ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज में बहुत एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। दूसरे टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज डेवलप हो चुके हैं, इन रिसोर्सेज का सर्वे भी हो चुका है इन टर्म्स ऑफ देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी, और ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज को हम यूज़ करते आ रहे हैं और इसके एग्जाम्पल हैं कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स एंड वाटर। नेक्स्ट हैं स्टॉक रिसोर्सेज। ये ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं जिनके पास अच्छा खासा पोटेंशियल होता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने पर। करंटली हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे इन रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं रिजर्व रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज वो हैं जिनको यूटिलाइज करने के लिए हमारे पास इनफ टेक्नोलॉजी मौजूद है पर हम इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल नहीं करते। तो आप सोच रहे होंगे क्यों नहीं करते, क्योंकि हमने इन रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशन के लिए रिजर्व करके रखा है। अब तक आपको पता चल गया होगा कि हमारे लिए रिसोर्सेज कितने इम्पॉर्टेंट हैं, पर हमने इनके इस्तेमाल में बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से किया है। इसकी वजह से हमारे लिए बहुत चिंता का विषय बनता जा रहा है। आइए समझते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हम फेस करते आ रहे हैं। सबसे पहले है डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करने से इनका रिजर्व धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। दूसरा है कहीं कहीं ये रिसोर्सेज का यूज़ सिर्फ लिमिटेड लोगों तक ही सीमित है, और इस वजह से सोसाइटी में रिच एंड पुअर के बीच में डिविजन क्रिएट हो गया है। तीसरा है रिसोर्सेज को एक्सीड में इस्तेमाल करने से हम बहुत सारी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड पॉल्यूशन। सो गाइस, रिसोर्सेज का इस्तेमाल होना चाहिए लेकिन उससे हमारे इन्वायरमेंट को कोई डैमेज या फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ रिसोर्सेज बचे रहने चाहिए। और इसको हमने एक टर्म दिया है जिसको हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका कंसेप्ट सबसे पहले 1992 में रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में आया था। ये समिट वर्ल्ड का पहला इंटरनेशनल अर्थ समिट है जो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और इसमें करीब 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस समिट का मेन एम है टू एड्रेस अर्जेंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम सो दैट एक सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिसोर्स के बारे में, दैट इज लैंड रिसोर्सेज। अगर हम भारत के लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो 43% ऑफ लैंड हमारे देश के प्लेन एरिया को डेडिकेटेड है, 30% हमारे लैंड माउंटेन्स से कवर्ड है और 20% प्लाट्यूज हैं। अब बात करते हैं हम सॉइल के बारे में। दोस्तों, सॉइल एक इम्पॉर्टेंट और बहुत इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि सॉइल में पेड़ पौधे उगते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करता है, पर इस रिसोर्स को बनने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट द इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी वजह से सॉइल फॉर्म होती है। इसमें सबसे पहला है सॉइल की पैरेंट रॉक कौन सी है, क्लाइमेट कैसा है वहाँ का, वेजिटेशन कैसा है, सॉइल को फॉर्म होने में कितना टाइम लगा है। सो दोस्तों, भारत के कुछ मेजर सॉइल्स के बारे में पढ़ते हैं। आपकी एनसीईआरटी में कुछ 6 सॉइल का जिक्र किया है, तो सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल, दूसरा है ब्लैक सॉइल, तीसरा है लैटराइट सॉइल, चौथा है रेड एंड येलो सॉइल एंड पांचवा है एरिड सॉइल एंड आखिर में है फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले बात करते हैं एलुवियल सॉइल की। एलुवियल सॉइल भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली सॉइल है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सॉइल मेजरली नॉर्थ इंडिया में मिलती है, और इसके साथ साथ सॉइल आपको गुजरात, राजस्थान, कोस्टल एरिया, रिवर डेल्टा जैसे महानदी, कृष्णा के अराउंड भी मिल जाएगी। एलुवियल सॉइल बहुत फर्टाइल होती है और इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की मात्रा अच्छी खासी मिलती है। सॉइल में सुगर केन, पैरी, वीट, पल्सेस और सीरियल्स आसानी से ग्रो किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सॉइल की, जो है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को हम रघुर सॉइल भी कहते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, क्योंकि ये कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और बहुत अच्छी होती है। ये सॉइल आपको डेक्कन ट्रैप में प्राइमरली मौजूद, जैसे कि आप देख सकते हैं,
इसके साथ साथ ये सॉइल आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोदावरी एंड कृष्णा वैली में भी मिल जाएगी। क्ले मटीरियल से बने होने के कारण ये सॉइल काफ़ी समय तक मॉइस्चर कंटेन करती है। अब बात करते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। ये सॉइल प्राइमरली आपको क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक में मिलती है। इस टाइप ऑफ सॉइल को ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन में देखा जा सकता है। इसके साथ साथ ये सॉइल उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सदर्न पार्ट ऑफ गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट के कुछ इलाकों में मिलती है। अगर हम इसके कलर के बारे में बात करें तो इसमें आयरन के डिफ्यूजन की वजह से रेड कलर देखने को मिलता है। वहीं जब सॉइल हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है तो येलो कलर डिस्प्ले करती है। अब बात करते हैं हम लेटराइट सॉइल के बारे में। ऐसी टाइप ऑफ सॉइल मेजरली ब्रिक बनाने में काम आती है और ड्यू टू हैवी रेन ऐसी सॉइल में इंटेंस लीचिंग देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल का नेचर एसिडिक होता है। दीज टाइप ऑफ सॉइल मोस्टली सदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट के कुछ रीजन जैसे महाराष्ट्र, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। इस टाइप ऑफ सॉइल में टी और कॉफ़ी आसानी से उगते हैं। अब बात करते हैं हम एरिड सॉइल के बारे में। जैसा कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एरिड सॉइल राजस्थान के डेजर्ट इलाके में मिलती है। ऐसी सॉइल का कलर रेड से ब्राउन होता है और इसका टेक्सचर सैंडी और सलाइन मतलब नमकीला होता है। ज़्यादा गर्मी वाले इलाकों में पाए जाने में से इनमें बहुत कम मॉइस्चर होता है और साथ ही इस टाइप ऑफ सॉइल में ह्यूमस नहीं देखने को मिलता है। इस टाइप ऑफ सॉइल को एक और ख़ास बात होती है कि इस टाइप ऑफ सॉइल का लोअर होरिजन में कंकड़ मिलते हैं और इसकी वजह से पानी ऊपर इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पाता। आई होप आपको ये सारे सॉइल्स अच्छे से समझ आए होंगे। अब बात करते हैं हम सॉइल कंजर्वेशन की। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सॉइल हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू सस्टेन आवर लाइफ, बट बहुत सारे कारणों की वजह से हमारी सॉइल का इरोजन हो रहा है। इसमें सबसे बड़ा योगदान है ह्यूमन एक्टिविटी जैसे डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। इसके साथ साथ बहुत सारे नेचुरल फोर्सेस जैसे विंड, वाटर, ग्लेशियर भी सॉइल इरोजन को बढ़ावा देते हैं और इन्हीं कारणों की वजह से हमारी सॉइल बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो रही है और इस वजह से हमें सॉइल को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो आइए जानते हैं वेरियस वेज टू कंजर्व देम। तो सबसे पहला है कॉन्ट्योर ब्लोइंग। इस मेथड में फील्ड को ब्लो किया जाता है अलॉन्ग द कॉन्ट्योर लाइन, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरा मेथड है टेरेस फार्मिंग। ये बहुत पॉपुलर मेथड है जो कि पहाड़ों में प्रैक्टिस किया जाता है जैसे उत्तराखंड और हिमाचल के इलाकों में। जैसा इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, इस मेथड में टेरेस या लेवल के फॉर्म में फार्मिंग की जाती है टू सेव सॉइल। नेक्स्ट प्रोसेस है स्ट्रिप क्रॉपिंग। इस प्रोसेस में बड़े खेतों को स्ट्रिप या पट्टियों की फॉर्म में तैयार किया जाता है और इन्हें पट्टियों में घास उगाई जाती है ताकि हवा के प्रभाव को कम किया जा सके और अल्टीमेटली सॉइल को इरोड होने से बचाया जा सके। नेक्स्ट प्रोसेस है शेल्टर बेल्ट। इस प्रोसेस में ट्रीज को स्ट्रेट रोज में ग्रो किया जाता है और स्पेशली डेजर्ट इलाकों में इसे देखा जा सकता है।